हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बढ़िया ही होंगे। तो मैं आज बनाने वाली हूँ न्यू रेसिपी। रेसिपी का नाम है बैगन करी। मैं बैगन करी आज बनाने वाली हूँ। तो बैगन करी बनाने के लिए मैंने 5 बैगन लिया, छोटे छोटे मीडियम साइज, 2 प्याज एंड 3 टमाटर। तो सबसे पहले मैं ये सब कट कर लेती हूँ सारी सब्जी, फिर उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस करूंगी। तो सबसे पहले मैं लहसुन को कट कर लेती हूँ एकदम छोटे छोटे। तो लहसुन कट कर चुकी हूँ, तो उनमें छोटे छोटे पीसेस में मिर्ची भी कट कर लेती हूँ। देखिए मैं मिर्ची भी कट कर चुकी हूँ, अब मैं प्याज को एकदम छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लेती हूँ एकदम बारीक बारीक। देखिए मैं अब सब कट कर चुकी हूँ, लहसुन मिर्ची और प्याज। अब मैं बैगन को भी कट कर लेती हूँ एकदम बीच से, पतला पतला, पूरा नहीं कट करना है ऐसे। ऐसे ऐसे बैगन को भी कट कर लेना है। अब मैं टमाटर को भी ऐसे आधा आधा कट कर लेती हूँ। तो अब मैं बैगन को फ्राई करूंगी। तो बैगन को फ्राई करने के लिए मैं कढ़ाई में तेल डालूंगी थोड़ा सा। तेल अब हो चुका है, मैं बैगन को फ्राई कर लूंगी। देखिए बैगन को मैं फ्राई कर ले रही हूँ अच्छे से। थोड़ा बैगन को मतलब पका लेना है तेल में। देखिए बैगन फ्राई हो चुका है, मैं बैगन को प्लेट में निकाल लेती हूँ। देखिए टमाटर भी फ्राई हो चुका है, टमाटर को भी मैं निकाल लेती हूँ। तो मैं सब फ्राई कर ली हूँ, तो अब मैं बैगन करी बनाना स्टार्ट करूंगी। तो सबसे पहले मैं जीरा डाल रही हूँ। मैं लहसुन डाल रही हूँ। बैगन करी में डालने के लिए मैं 1 कप दही ली हूँ, उसमें मैं 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ एंड 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। अब मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। दही और मसाले को अच्छे से मैं फेंट लेती हूँ। थोड़ा सा इसमें मैं 1 चुटकी हींग डाल दूंगी।
को भी अच्छे से फेंट लेना है। तो देखिए प्याज लाल हो चुका है, तो अब मैं इसमें दही डाल दे रही हूँ। थोड़ा सा 1 कप मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। इसमें मैं 1 चम्मच गरम मसाला डाल रही हूँ, 1 चम्मच मैं सब्जी मसाला डाल रही हूँ, स्वाद के अनुसार नमक डाल रही हूँ। अब मैं इसमें हरी मिर्च डालकर मैं इसको ढक दूंगी थोड़ी देर के लिए। तो अब देखिए आप लोग, मेरा मसाला और पानी पक चुका है। अब मैं इसमें बैंगन और टमाटर डाल दूंगी। टमाटर भी डाल दे रही हूँ। अब थोड़ी देर में पका लूंगी बैंगन और टमाटर को अच्छे से। चार मैं हरी मिर्च भी डाल रही हूँ ऊपर से। देखिए बैंगन करी हो चुका है, पक चुका है। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ। तो अब मैं बैंगन करी रेडी हो चुका है, तो अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लेती हूँ। तो अब देखिए मेरा बैंगन करी एकदम रेडी हो चुका है बनके। तो आप लोग जरूर बताना मैं बैंगन करी कैसे बनाई हूँ। तो आप लोग भी जरूर ये रेसिपी अपने घर पे जरूर ट्राई कीजिए। तो अब मैं वीडियो अपना यहीं पे समाप्त करती हूँ।